आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज ये मेरा सेकंड व्लॉग है, काफ़ी लंबे समय से तकरीबन फर्स्ट व्लॉग को एक महीना हो गया है, टाइम नहीं मिलता और दो चैनल जो चलते हैं उन पे समय देना पड़ता है, तो आप सबको पता ही है। फिर भी मैं आज आपको अपनी वो जगह दिखाऊंगी जहाँ आप पूछते रहते हो कि आप खेती बाड़ी कहाँ पर करते हो, तो मैं अपनी वो फसल उगाते हैं वो जगह और आपको अपना ये सिंचाई वाला कुआ वगैरह ये सब दिखाऊँगी जैसा भी लगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये देखिए, ये है गेहूं की फसल, बड़े बड़े हो रखे हैं गेहूं और इनमें ये पानी चल रहा है, ये फवारे चल रहे हैं कुएं से। आगे मैं आपको एक कुआ भी दिखाऊंगी। ये यहाँ पर ये ईंट पत्थर वगैरह हमने डाल रखे हैं अपना नया घर बनवाने के लिए, कुछ महीनों बाद हम यहाँ पर अपना नया घर बनाएंगे। ये है हमारा कुआ जहाँ से पाइपलाइन जाकर गेहूँ की फसल में पानी चलता है, यहीं से हम पीने का पानी भरते हैं। वही हनुमान जी का मंदिर है कुएं के बिल्कुल पास। जो कुआ बनाते हैं तो पहले हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, कुएं का कोई भी काम करते हैं तो पहले हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये कुआ है, ये अंदर से पानी आता है, ये यहाँ से रस्सी डालकर, पहले जब मशीनें नहीं होती थी तो रस्सी डालकर इससे कुएं में से वो निकालते थे पानी वगैरह काम करते थे। और हनुमान जी का मंदिर बिल्कुल पास में ही है, काफ़ी बड़ा खेत है, रोड के बिल्कुल पास है, पास में ही हाईवे है, देखने लायक एकदम शांत ना अच्छा वो वातावरण है, खुला है, साफ है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। प्रकृति का ये सौंदर्य है। गांव में खेती करते हैं, गेहूँ सरसों चना आदि सब की फसल उगाते हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।